अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, आप सबके नेक हाजतें नेक तमन्नाएं पूरी करे, और आप सब लोग जो जो दुआएं बोल रहे हैं, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की जायज़ दुआएं कबूल करे। जो बे औलाद है अल्लाह ताला सिरातल मुस्तकीम पे ईमान पे चलने वाली औलाद अता करे। जो बच्चियों के नेक नसीबे होना है अल्लाह ताला उनके जोड़े से उनको मिला दे। जो जोड़ों में मोहब्बत नहीं है अल्लाह ताला उनके जोड़े में ढेर सारी मोहब्बत अता करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एग राइस। एग राइस आप लोगों की बहुत पहले की रिक्वेस्ट है, अब की नहीं है, तो अब वक्त अब आया समझिए, अल्लाह ताला अब लाया। उसके लिए राइस है, ये एक आदमी का राइस है, आप आपके घर वालों के हिसाब से लाइए। हम लोगों को दो जनों को हो जाता ये राइस, बस हो जाता राइस। मैं ये कप से हाफ कप ली, तो उसको थोड़ी देर पानी में भिगा के डायरेक्ट अपन चावल कैसा फकाते, चावल फका लेना है आपको, नमक नहीं डाली मैं इसके अंदर। तो हमारे हिसाब से हम दो जनों को बस हो जाता ये। और तीन हरी मिर्ची ली, उसको स्लिट्स कर ली, दो चाय के चमचे हरा धनिया, दो अंडे, सोया सॉस लूंगी मैं आधा चाय का चमचा, ग्रीन चिल्ली सॉस आधा चाय का चमच, अगर आप लोग कने नहीं है ये चीज़ा तो छोड़ सकते हो, काली मिर्ची दो पिंच, आधा चाय का चमचा नमक, मिर्ची पाउडर आधे चाय के चमचे से भी कम है, आप लोग जितना ज्यादा खाना चाह रहे हैं ज्यादा डाल सकते हैं, कम खाना चाह रहे हैं कम डाल सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई, ऑयल डाल दी मैं इसमें, दो हरी मिर्ची डालूंगी, इसके साथ ही इसमें दो अंडे डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल कम रखना है। काली मिर्ची नमक डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा हरा धनिया, फ्लेम कम है और ये फ्रेश चावल है, तो अभी अंडा भी नीचे से होगा, ऊपर से चावल डाल दूंगी मैं। चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस है, थोड़ा इससे भी कम डाल सकते हैं, जरा मैं मिर्ची तेज रहना बोल के डाल दूंगी, अगर आप लोगों का नहीं है मत डालिए। थोड़ा सा सोया सॉस, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता। और इसको आप लोग रात के खाने का भी बना सकते हैं, रात में खाना बच जाता ना। अब मैं फुल फ्लेम कर दी हाई, हल्दी नहीं डालना है, और इसके अंदर आप ऊपर से थोड़ी प्याज की पत्ती अगर आप लोगों का नहीं है तो डाल सकते हो, करी पत्ता नहीं डालना है इसमें। अंडे अगर और ज्यादा डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं। ये हरे मिर्चियां डाल देंगे इसमें, ये ऐसी आवाज आना है आपको तो समझना आपका, ये पूरा हरा धनिया ऊपर से डाल दूंगी मैं। गैस बंद कर दी मैं, आप लोगों को डिश आउट बताती हूँ, और बहुत इजी है, झटपट बन जाता है। एग राइस बन के रेडी है, और ये फ्राइड राइस नहीं है, एग राइस है।
और दूसरी बात ये बैचलर बच्चे भी वो झटपट बना सकते हैं इसको। अंडे आप लोग बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा सकते हैं, अगर इसके ऊपर से आप नींबू डाल के खाना चाह रहे हैं तो खा सकते हैं, अंदर नहीं डालना, अंडा पूरा फटना शुरू हो जाता, मतलब बहुत बारीक हो जाता। और जो जर्दी नहीं खाना चाह रहे वो जर्दी निकाल देंगे आप, खाली व्हाइट वाला हिस्सा डाल देंगे तो बहुत भी बहुत मजे का बनता, बहुत जल्दी बनता। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में खास तौर पे याद रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।